मत ना नंगी करो सभा में और जेठ उल्हाने हो जाएंगे और न्यू कहने लगी चंडाल चौकड़ी के सामी सब लोग वीराने हो जाएंगे चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीराने हो जाएंगे मुझे मत ना नंगी करो सभा में खुलाने हो जाएंगे चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीराने हो जाएंगे चंडाल चौकड़ी के सामने सब लोग वीराने हो जाएंगे चौकड़ी के सामी सब लोग वीराने हो जाएंगे पहली कली में क्या कुछ कहती है गुरुजी आइए दादा मत लगे हेरा अबला के संग कौन सभा में अबला के संग कौन सभा में होती तंगी देखेगा बाबा भी सम पोत बहु ने कैसे नंगी देखेगा बाबा भी सम पोत बहु ने कैसे नंगी देखेगा हे द्रोणाचारी बंधती कैसे धर्म कलंगी देखेगा कर दे सत्यानाश पति अर्जुन अर्धंगी देखेगा कर दे सत्यानाश पति अर्जुन अर्धंगी देखेगा थारा घड़ा पाप का खाली से थारा घड़ा पाप का खाली से यहाँ पाप चुकाने हो जाएंगे सारे चौकड़ी के सामने सब लोग वीराने हो जाएंगे सारे चौकड़ी बोलने की किसी की औकात नहीं है क्या कुछ कहती है भद्रौपदी सुनेगा भाई दूसरी गली में करता बाप नहीं देखा मेरा प्यारा देवर भीम सेन मने कद चुपचाप नहीं देखा नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा नकुल और सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा हेरा सारा शहर उजड़ हो जा सारा शहर उजड़ हो
सारी सभा अंधी हुई बैठी है, क्या कुछ कहती है सुनेगा तीसरी कली में है। अंधे का अंधा एक सही क्या सारी सभा अंधी से है। अंधे का अंधा एक सही क्या सारी सभा अंधी से है। हेरा बिना बाप के हबिकने लगी मेरी इज्जत इतनी मंदी से, आखिर मैं न्यू कहना पड़ गया सबकी आदत गंदी से। आखिर मैं न्यू कहना पड़ गया सबकी आदत गंदी। और 50 रुपए नंद किशोर रोडवेज वाले 50 रुपए का पुरस्कार देते हैं भाई, बार बार धन्यवाद करते हैं। सुनेगा कैसे गा रहे हैं। कानों पे हाथ रख ले, ऐसे शब्द मेरे पांचों पतियों के सामने मुझसे कहे जा रहे हैं। बड़े बड़े यहाँ पर योद्धा महायोद्धा राजा महाराजा बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्या कुछ कहती है सुनेगा भैया थाम के रे। और गुणवान बहुत पर नीची नाड़ करे बैठे, नीति और गुणवान बहुत पर नीची नाड़ करे बैठे। मेरी सुनता नहीं पुकारे कोई सब कान्हा हाथ धरे बैठे, लई दुर्योधन तन रण समझ मेरे पांचों पति मरे